मैं डॉक्टर आरपी सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। ऐसा कौन सा इंसान है जिसने नील फूल नहीं देखा होगा, लेकिन नील फूल को अपराजिता फूल समझकर धोखा मत खाइए। हिंदी में नील फूल को नीली गौंथी या गौली भी कहते हैं। भारत में इस फूल की खेती पहले नीला रंग बनाने के लिए किया जाता था। जब से कृत्रिम नीला रंग बनने लगा है तब से इसकी खेती प्रायः बंद सी हो गई है, परंतु अब भी कई स्थानों पर यह जंगली अवस्था में खुद ही पैदा हो जाती है। इस नील फूल के औषधीय परक गुण भी हैं जो अनगिनत बीमारियों के लिए इस्तेमाल किए जाने जाते हैं। नील फूल का इस्तेमाल बाल, पेट संबंधी समस्या, पाइल, सिरदर्द, वायु का गोला जैसे बीमारियों में प्रयोग किया जाता है। नील फूल का औषधीय गुण बहुत सारे बीमारियों में कैसे और किन गुणों के कारण उपयोग किया जाता है, चलिए देखते हैं। नील के फायदों के बारे में जानने के लिए उसके औषधीय गुणों के बारे में जानना जरूरी होगा। नील प्रकृति से कड़वा, तीखा, गर्म, लघु, रूखा, तीक्ष्ण, कफवात से आराम दिलाने वाला और बालों के लिए हितकर होता है। यह पेट संबंधी रोग, वात रक्त, व्यंग, आमवात या गठिया, अर्धावर्त, मद, विष, कटिवात, कमर में वात का दर्द, कृमि, गुल्म, ज्वर या बुखार, मोह, सिरदर्द, भम, व्रण व घाव, हृदय रोग और व्रण नाशक होती है। इसका तेल कड़वा, तीखा, कसाय, कफवात, सामक, कुष्ठ, व्रण और कृमि नाशक होता है। यह लीवर संबंधी समस्या, अवरोधी, कवक रोधी व फंगस रोधी या उसे रोकने वाला, विरेचक, कृमिनाशक, बलकारक, मूत्र संबंधी समस्या, लीवर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें शर्करा की मात्रा भी बहुत कम होती है। नील में पौष्टिक कारक गुण होता है। असमय बालों का सफ़ेद होना आज एक बड़ी समस्या है। समान मात्रा में त्रिफला यानी आंवला, हरितकी, बहेड़ा, नील के पत्ते, लौ भस्म और भृंगराज चूर्ण को अकेले या इसमें आम की गुठली का चूर्ण मिलाकर आरनाल या भेड़ के मूत्र से पीसकर बालों पर लेप करने से बाल सफ़ेद नहीं होते तथा बालों का झड़ना भी बंद हो जाता है। इसके अलावा कटसरैया, तुलसी, नील बीज, रक्त चंदन, भल्लातक बीज आदि द्रवों को तिल तेल में पकाकर छानकर एक से दो बूंद तेल को नाक से लेने से तथा सिर पर मालिश करने से या आँखों के लिए हितकर आयुर्वर्धक और पलित रोग यानी असमय बाल सफ़ेद होना में लाभदायक होता है। अगर घाव जल्दी ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है तो नील जड़ के पेस्ट को लेप करने से घाव भर जाता है। दिन के तनाव से अगर आपको हर दिन सिरदर्द होता है तो नीली जड़, तना तथा पत्ते को पीसकर मस्तक पर लगाने से सिरदर्द से आराम मिलता है। बच्चों के लिए दांत में कीड़ा होने की बीमारी सबसे आम होती है। बच्चों को इस बीमारी से राहत दिलाने में नील का औषधीय गुण बहुत उपकारी होता है। नीली जड़ को चबाकर मुख में रखने से दांत के कीड़े मर जाते हैं। नीली जड़, पत्ता तथा तने के चूर्ण 1 से 2 ग्राम का सेवन करने से कफ का निसरण होकर सांस फूलना तथा जीर्ण यानी फेफड़ों में सूजन रोग, लंग्स के नलिका में सूजन, कुक्कुर खांसी या हुपिंग कफ हृदय रोग में लाभ मिलता है। अगर ट्यूमर को लेकर कितनी भी इलाज किया जा रहा हो और वह ठीक होने का नाम नहीं ले रहा हो तो नील का औषधीय गुण लाभकारी हो सकता है। नील का प्रयोग इस तरह से करने का फ़ायदा मिल सकता है। नीली बीज, जलवेतस, त्रिकटु, यवछार, सज्जी झार, पांचों लवण, सैंधव, सामुद्र, सोनचर, वीड, सांभर, नमक तथा चित्र कमूल के 2 से 6 ग्राम चूर्ण को घी में मिलाकर खाने से सभी प्रकार के पेट संबंधी रोग तथा गुल्म रोग से जल्दी आराम मिलता है। 5 ग्राम नीलन्यादि घी को यवाणु व मंड यानी जौ के साथ सेवन करने से गुल्म, कोढ़, पेट रोग, सूजन, खून की कमी, फ्लीहा, उन्माद आदि रोगों में आराम मिलता है। 5 ग्राम त्रियुषणादि घी में नीली मूल चूर्ण मिलाकर सेवन करने से कब्ज से पीड़ित गुल्म रोगी के मल को ठीक करने में मदद मिलती है। नीली सीसोत, दंती, हरितकी, कम्मी पल्लक, विडंग नमक, यवछार तथा सोंठ से बने गाय के घी को 5 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से गुल्म रोगी का पूरा मल शोधन हो जाता है। हर दिन सुबह कब्ज के कष्ट से परेशान रहते हों
तो 1 से 2 ग्राम नील की नीलनी फल व जड़ के चूर्ण के सेवन से मल कोमल होकर कब्ज व लीवर की सूजन को कम करने में फायदा पहुंचाता है। पाइल से परेशान हैं तो नील का इस तरह से प्रयोग करने पर आराम मिलेगा। बवासीर के मसों पर नीलनी पत्ते के पेस्ट को लगाने से अर्श में लाभ होता है। नीलनी जड़ तना व पत्ते से बने पेस्ट यानी 1 से 2 ग्राम एवं काढ़े 10 से 20 मिलीलीटर का सेवन करने से प्लीहा विकारों से आराम मिलता है। 5 से 10 मिली पत्ते के काढ़े का सेवन करने से तथा पत्ते के काढ़े से योनि को धोने से योनिगत स्राव या वेजाइना के स्राव से भी राहत मिलता है। नील पौधे के सत्त का प्रयोग तंत्रिकागत विकारों की यानी नसों से संबंधित बीमारियों के लिए चिकित्सा में उपयोग किया जाता है और लाभ मिलता है। नील के बीजों को पीसकर जोड़ों पर लगाने से आमवात या गठिया के दर्द में आराम मिलता है। सुबह 1 से 2 ग्राम नीली मूल चूर्ण का सेवन दूध के साथ करने से तथा अजा दूध में मूल को पीसकर लेप व सेवन करने से विसर्प व मूत्र संबंधी समस्याओं में लाभ मिलता है। 5 मिलीलीटर नीली पत्ते के रस का सेवन करने से अपस्मार या मिर्गी के कष्ट से राहत पाने में मदद मिलती है। 1 से 2 ग्राम नीली जड़ के पेस्ट को दूध के साथ सेवन करने से यक्ष रोग यानी टीबी में लाभ मिलता है। 1 ग्राम नीली मूल चूर्ण को चावल के धोवन से पीस कर पीने से सांप के काटने पर उसके विष के असर को कम करने में मदद मिलती है। जिस जगह पर बिच्छू ने काटा हो उस स्थान पर नील पत्ते या जड़ के पेस्ट को पीस कर लेप करने से तथा 10 से 20 मिली काढ़े का सेवन करने से बिच्छू के विष के असर को कम करने में मदद मिलती है। आयुर्वेद के अनुसार नील का औषधीय गुण उसके इन भागों पर सबसे ज़्यादा मिलता है, पत्ता, जड़, तना और बीज। यदि आप किसी भी खास बीमारी के घरेलू इलाज के लिए नील का इस्तेमाल करना चाहते हों तो बेहतर होगा कि किसी चिकित्सक से सलाह जरूर लें। धन्यवाद।